स्टूडेंट्स, आई एम पाल सांडे एसएस फ्रॉम एसडीएम कॉलेज कराड। माय सब्जेक्ट इज कंप्यूटर साइंस पेपर फर्स्ट। इन दिस लास्ट लेक्चर वी हैव सीन फोर नंबर सिस्टम्स, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। एंड दिस नंबर सिस्टम, हर एक नंबर सिस्टम में मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे। हर एक नंबर सिस्टम आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, एक्सप्लेन ऑक्टल नंबर सिस्टम, एक्सप्लेन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड सो ऑन। एंड मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे इसलिए, और एग्जाम्पल बताया था। हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम में देखा था, एक टेबल देखा था कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का कन्वर्जन हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे करते, उसका हमने एक टेबल लिखा था। उसी तरह लास्ट हमने देखा था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का भी एक टेबल है। हेक्साडेसिमल नंबर का कन्वर्जन हम बाइनरी नंबर में कैसे करेंगे, उसका भी एक टेबल है। हमारे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस है 16 और उसमें हम 0 to 9 डिजिट्स यूज़ करते हैं और 8 to 12 कैरेक्टर यूज़ करते हैं। और 8 to 12 कैरेक्टर का भी नंबर होता है 10, 11, 12 up to 15, हमने देखा था। हम एक टेबल देखेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर 0 to 9 नंबर्स, देन 0 का बाइनरी कन्वर्जन हम 4 डिजिट में लिखेंगे। हमने ऑक्टल का बाइनरी कन्वर्जन 3 डिजिट में लिखा था, लेकिन हेक्साडेसिमल का बाइनरी कन्वर्जन हम 4 डिजिट में लिखेंगे, 0 0 0 4 0 दिए है, क्योंकि हम इसमें 4 डिजिट यूज करने वाले हैं। बाइनरी नंबर्स में सिर्फ हम क्या लिखते हैं, 0 और 1, इसलिए सिर्फ 0 और 1 का ही इस्तेमाल करेंगे, वो ही नंबर लिखेंगे। 0 0 0 0 देन 1, 0 0 0 1 देन नेक्स्ट 2, 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, 10, देन 10, 3 0 0 11 देन 4 0 11 के बाद 12 हमारा नंबर नहीं है, क्योंकि 2 में हमें सिर्फ चाहिए 0 और 1। देन लास्ट इज द 100, 11 के बाद क्या आता है, 100, देन 5 0 100 101, देन 6 का 1 1 10, सिर्फ आगे 0 लिखना है, 1 1 10, देन 7 का 0 1 1 1 1 1 1, उसके बाद 111, उसके बाद क्या आता है सीधे 8 नंबर का 1000 1000, एंड देन 9 1001, ठीक है। 0 to 9 ये हमारा कन्वर्जन हो गया। देन नेक्स्ट क्या था, 8 to 12, देन ए का है 1001, देन 1 के बाद क्या आता है 10, देन बी 1010, then 1011, and then C 1100, then D 1101, E इधर लिख रही हूँ मैं, E 1110, and F 1111. This is the conversion of hexadecimal to binary. ये table हमें सिर्फ याद रखना है, ये table, और आप लिख लीजिए ये table, ये important table है। Then next point is conversion techniques. Conversion techniques मतलब क्या है, the number we converted, the number of one number system can be converted to another number system. कोई भी एक number system का number मतलब हमने जो example देखा था, हमने क्या किया था, जो उसके digits है और उसके symbols है, उसका combinations लेके हम एक कोई भी number create कर सकते हैं। binary, octal, hexadecimal और decimal, इन चारों के हमने example देखे थे। तो उस example और वो number
कोई भी नंबर किसी भी नंबर सिस्टम का हम कन्वर्ट करेंगे अनदर नंबर सिस्टम में। हमारे फोर नंबर सिस्टम है तो किसी भी नंबर सिस्टम का कन्वर्जन हम किसी भी नंबर सिस्टम में कर सकते हैं किसी भी नंबर का। देन फर्स्ट नंबर सिस्टम इज बाइनरी टू डेसिमल। फर्स्ट नंबर सिस्टम बाइनरी फर्स्ट कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हम देखेंगे। मतलब हमारा कोई भी एक बाइनरी नंबर में हम सिर्फ क्या करते हैं 0101 ए डिजिट्स यूज कर सकते हैं, आइदर 0 और आइदर 1। देन दिस इज द बाइनरी नंबर क्योंकि इसका बेस 2 है। उसका कन्वर्जन हमें डेसिमल नंबर में करना है। इधर मैं क्वेश्चन मार्क लिख रही हूँ और बेस 10 लिख रही हूँ। दिस इज द एग्जाम्पल हम क्या करने वाले हैं बाइनरी नंबर का कन्वर्जन हम क्या करने वाले हैं डेसिमल नंबर में करने वाले हैं। देन हम अब फर्स्ट दिस एग्जाम्पल देखेंगे। 101 दिस इज द बाइनरी नंबर और उसका कन्वर्जन हम किसमें करेंगे डेसिमल नंबर्स में करेंगे। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, हम वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करेंगे। मैंने यहाँ पर एक बाइनरी नंबर लिया है, उसका कन्वर्जन मैं डेसिमल नंबर में करने वाली हूँ। वो कैसे करने वाली हूँ? देन फर्स्ट स्टेप फर्स्ट मैंने यहाँ पर एक इंटीजर नंबर लिया है। स्टेप फर्स्ट राइट द बाइनरी नंबर, जो हमें बाइनरी नंबर दिया गया है वो जैसा है वैसे ही लिखना। राइट द गिवन बाइनरी नंबर 101। मैंने यहाँ पर डिस्टेंस सिर्फ क्रिएट करके नंबर लिखा है। राइट द गिवन बाइनरी नंबर 101। देन स्टेप सेकंड में हम क्या करने वाले हैं? राइट द बाइनरी वेटेज बिलो द गिवन नंबर और बिलो ईच नंबर। राइट द बाइनरी वेटेज बिलो ईच नंबर। हमने एग्जाम्पल में देखा था और हर नंबर सिस्टम हमने एक्सप्लेन की थी, उसी समय हमने देखा था कि एग्जाम्पल के नीचे उसका बाइनरी वेटेज कैसे लिखा जाता है। बाइनरी वेटेज कैसे लिखा जाता है? उसका बेस जो होता है उससे हम शुरुआत करते हैं। मतलब बाइनरी नंबर का बेस क्या हो 2 है, इसलिए हम क्या लिखेंगे पावर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। देन हम शुरू फर्स्ट नंबर से नहीं लिखेंगे वेटेज, लास्ट नंबर से वेटेज लिखेंगे LSB टू MSB। देन हमारा बेस क्या है बाइनरी नंबर का 2। देन फर्स्ट 2 raised to 0, देन 2 raised to 1 एंड देन 2 raised to 2। दिस इज द बाइनरी वेटेज ऑफ गिवन दिस बाइनरी नंबर। स्टेप फर्स्ट क्या है? हम राइट द गिवन बाइनरी नंबर। जो हमें बाइनरी नंबर दिया गया है वो मैंने वैसे ही लिखा, सिर्फ डिस्टेंस रखे लिखा है। देन सेकंड स्टेप राइट द बाइनरी वेटेज बिलो ईच नंबर। हर एक नंबर का बाइनरी वेटेज उसके नीचे लिखना है। मैंने हर एक नंबर का बाइनरी वेटेज लिखा है। हम फर्स्ट नंबर से स्टार्ट नहीं करते, लास्ट नंबर से करते हैं। इसलिए 2 raised to 0, 2 raised to 1 और 2 raised to 2। 2 क्यों लिया है? क्योंकि बाइनरी नंबर का बेस और रेडिक्स क्या है 2, इसलिए। देन स्टेप थर्ड सम ऑफ ऑल बाइनरी डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय देयर वेटेज। हम क्या करेंगे? सम करेंगे सब बाइनरी डिजिट्स के, लेकिन कैसे? मल्टीप्लाइड बाय देयर वेटेज। ये जो वेट दिया है हमने लिखा है उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद उसकी सम करेंगे। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए। फर्स्ट नंबर है 1, देन मल्टीप्लाई बाय उसका वेट 2 raised to 2, देन उसकी सम प्लस, देन नेक्स्ट नंबर है 0 इंटू उसका वेट 2 raised to 1। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। देन प्लस थर्ड नंबर है 1 मल्टीप्लाइड बाय देयर वेट 2
2 raised to 0। थर्ड स्टेप क्या है, हम क्या करेंगे, सम करेंगे हर बाइनरी डिजिट्स के, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय देयर वेटेज, उस नंबर को हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। हर नंबर को, हर बाइनरी नंबर को मैंने उसके वेटेज के साथ मल्टीप्लाई किया है। देन अब ये हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 into 2 raised to 2, 1 into 2 raised to 2 कितना होता है, 4, 2 raised to 2, 4। देन प्लस 0 into 2 raised to 1 एंड इधर है 1 into 2 raised to 0। अब हमें यहाँ पर एक नोट लिखना है, नोट क्या है, 2 raised to 0 कितना आता है, 1 आता है, 2 raised to 0 1 आता है एंड 2 raised to 1 2 आता है। हमें है नोट, यहाँ पर एक नोट लिखिए कि 2 raised to 0 आंसर 1 आता है एंड 2 raised to 1 आंसर 2 आता है। देन अगेन 0 into 2 raised to 1 हमारा क्या आता है, 2, इसलिए 2 प्लस 1 into 2 raised to 0 हमारा क्या आता है, 1, इसलिए 1। दिस इज द नोट, 2 raised to 0 1 एंड 2 raised to 1 2 आता है। देन नेक्स्ट 1 into 4 4 प्लस 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है, 0। देन प्लस 1 into 1 1। देन लास्ट हमारा आंसर क्या हो गया, 4 plus 0 plus 1 सम कितनी आ गई उसकी, 5। दिस इज द आंसर। देन हम कैसे लिखेंगे, हमारा बाइनरी नंबर है 101 base 2 है, इसलिए वो बाइनरी नंबर, उसका हमें कन्वर्जन डेसिमल नंबर पे किया था। लास्ट आंसर क्या आया हमारा, 5 and 5 and then base 10। दिस इज द आंसर, बाइनरी नंबर का हमने कन्वर्जन डेसिमल नंबर पे किया और डेसिमल नंबर क्या आया, 5, बेस 10 डेसिमल नंबर है, इसलिए दिस इज द आंसर, ठीक है। देन लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, वन वन जीरो जीरो वन वन। तुम्हें एग्जाम में कोई भी एक बाइनरी नंबर दिया जाएगा, उसका कन्वर्जन तुम्हें डेसिमल नंबर में करना होगा। देन दिस इज द बाइनरी नंबर, और हम उसका कन्वर्जन कैसे करेंगे, डेसिमल नंबर में, ठीक है। देन फॉलो द प्रोसीजर, स्टेप फर्स्ट, मैंने प्रोसीजर क्या बताई थी, फर्स्ट क्या लिखेंगे हम, जो हमें बाइनरी नंबर दिया गया है देन उसे राइट डाउन करेंगे, राइट डाउन गिवन बाइनरी नंबर 1 1 0 0 1 and 1। मैंने ये जो मुझे दिया गया था बाइनरी नंबर वैसे ही मैंने सेम लिखा है। देन स्टेप टू में हम क्या लिखते हैं, उसके नीचे राइट डाउन द बाइनरी वेटेज बिलो ईच नंबर, हर एक नंबर के नीचे उसका बाइनरी वेटेज लिखते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, फर्स्ट नंबर से नहीं, लास्ट नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। देन लास्ट नंबर से 2 raised to 0 2 raised to 1 2 raised to 2 2 raised to 3 2 raised to 4 एंड 2 raised to 5। हर एक नंबर के नीचे उसका वेट लिख दिया। देन स्टेप थर्ड क्या था, थर्ड कि हम क्या करेंगे, सम करेंगे, लेकिन कैसे, हर एक मल्टीप्लाइड बाय देयर वेटेज, हर बाइनरी नंबर को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन स्टेप 1 into 2 raised to 5 1 into 2 raised to 5 प्लस 1 into 2 raised to 4 देन प्लस 0 into 2 raised to 3
then plus 0 into 2 raised to 2, then plus 1 into 2 raised to 1, and last plus 1 into 2 raised to 0. हर एक बाइनरी नंबर को उसके वेटेज के साथ मल्टीप्लाई किया है, सिर्फ बीच में प्लस लिखा है मैंने. 1 into 2 raised to 5 plus 1 into 2 raised to 4 plus 0 into 2 raised to 3 plus 0 into 2 raised to 2 and so on. Then अब हम एक सॉल्व करेंगे. 1 into 2 raised to 5. 1 into 2 raised to 5 कितना आता है? 32. 32 plus 1 into 2 raised to 4 कितना आता है? 16. 2 raised to 4, 16. Then plus. अबे हम 0 का सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आता है. इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर 0 लिखेंगे तो भी चलेगा. 0 into 2 raised to 3. 2 raised to 3 हम करेंगे, 2 raised to 3 8 आएगा, लेकिन उस फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आंसर 0 ही आएगा. इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर 0 लिख रहे हैं. नेक्स्ट इधर भी 2 raised to 3 2 किया तो भी आंसर 0 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर भी 0 लिखा. देन प्लस 1 इंटू 2 raised to 1 हमारा कितना आता है? 2 आता है, नोट. देन प्लस 1 इंटू 2 raised to 0 कितना आता है? 1 आता है, इसलिए 1. एंड देन एडिशन, 32 इंटू 1 32 प्लस 16 इन मल्टीप्लाइड बाय 1 16 प्लस 0 0 0 0 एंड देन 2 प्लस 1 32 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 आंसर इसकी एडिशन कितनी आएगी? 51. कितनी आएगी एडिशन? 51. देन दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द कन्वर्जन. कन्वर्जन क्या हो गया हमारे यहाँ पर? दिस बाइनरी नंबर का लास्ट आंसर क्या आया था? एडिशन 51 एंड दिस कन्वर्जन. बाइनरी नंबर कन्वर्टेड टू डेसिमल नंबर, दिस इज द कन्वर्जन. ठीक है, अब हमने क्या देखा? इंटीजर नंबर का हमने टू एग्जाम्पल देखे. अब हम फ्रैक्शनल नंबर का एग्जाम्पल देखें. ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर लेके देखते. सेम बाइनरी नंबर ही, लेकिन उसका फ्रैक्शनल. फ्रैक्शनल, एक फ्रैक्शनल नंबर लेके देखते हैं. 0.10, 0.10 दिस इज द बाइनरी नंबर, बट बाइनरी फ्रैक्शनल नंबर, और उसका कन्वर्जन हमें डेसिमल में करना है. ठीक है, 0.10. देन सेम प्रोसीजर स्टेप, फर्स्ट राइट द गिवन बाइनरी नंबर. जैसा नंबर है वैसे लिखना है. फर्स्ट 0, देन 0.1 एंड 0. जैसे नंबर है वैसे ही लिखा है, 0.10. देन स्टेप सेकंड क्या था? राइट द बाइनरी वेटेज बिलो ईच नंबर. हर एक नंबर के नीचे हमें उसका बाइनरी वेटेज लिखना है. अब फ्रैक्शनल नंबर का हम बाइनरी वेटेज कैसे लिखते हैं? जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं. इधर एक ही नंबर है इसलिए 2 raised to 0. इधर और एक नंबर होता तो कैसे लिखती मैं? 2 raised to 1, 2 raised to 0. देन पॉइंट के उस तरफ कैसे लिखते हैं? पॉइंट के उस तरफ 2 raised to माइनस 1. लास्ट शुरू नहीं करते, पॉइंट के उस तरफ जो नंबर होता है उसे शुरुआत से ही हम बाय वेटेज लिखते हैं. 2 raised to माइनस 1 एंड देन 2 raised to माइनस 2. देन थर्ड स्टेप सेम, हर एक नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. 0 into 2 raised to 0,
पॉइंट 1 इंटू 2 रेस टू माइनस 1 प्लस 0 इंटू 2 रेस टू माइनस 2 0 इंटू 2 रेस टू माइनस 2 देन ये हम सॉल्व करेंगे 0 इंटू 2 रेस टू 2 रेस टू 0 हमारा कितना आता है 1 आता है लेकिन उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा क्योंकि यहाँ पर 0 है तो आंसर हमारा 0 ही आएगा उस पॉइंट के उस तरफ अब हमें कोई भी फ्रैक्शनल नंबर दिया गया हो बाइनरी नंबर का डेसिमल कन्वर्जन करने के लिए तो हमें क्या करना है जो हमारी लेफ्ट साइड है पॉइंट की इस तरफ वो अलग से सॉल्व करना है और जो पॉइंट के उस तरफ हमें नंबर दिए गए हैं वो अलग से सॉल्व करने हैं वो फिर उसकी हम एडिशन करेंगे इसलिए मैंने यहाँ पर 0 को सॉल्व करके लिया है 0 आया है एंड देन पॉइंट के उस तरफ हम अब सॉल्व करने वाले हैं देन 1 इंटू 2 रेस टू माइनस 1 देन अगेन नोट क्या है कि जब हम 1 इंटू 2 रेस टू माइनस 1 तो उसका क्या आता है 2 रेस टू माइनस 1 मतलब 1 बाय 2 इज इक्वल टू 0.5 इज इक्वल टू 0.5 देन कॉमा 2 रेस टू माइनस 2 1 बाय 4 0.25 एंड देन 2 रेस टू माइनस 3 इज इक्वल टू 1 बाय 8 इज इक्वल टू 0.125 ऐसे कन्वर्जन हमें करके लेना है 2 रेस टू माइनस 1 मतलब 1/2 उसका आंसर क्या आता है 0.5 देन 2 रेस टू माइनस 2 लिखा तो उसका क्या होता है 1/4 देन 0.25 आंसर एंड देन 2 रेस टू माइनस 3 उसका कन्वर्जन है 1/8 और आंसर 0.125 उसी तरह 1 इंटू 2 रेस टू माइनस 1 1/2 मतलब हमारा क्या हो गया 0.5 देन प्लस 0 इंटू 2 रेस टू माइनस 2 माइनस 2 का क्या है 0.25 लेकिन उसे हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 इसलिए 0 लिखा देन लेफ्ट हैंड साइड का हमारा 0.5 इंटू 1 क्या आंसर आएगा 0.5 एंड इधर का प्लस 0 देन लास्ट आंसर इज अब इस 0 और 0.5 के हम एडिशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.5 दिस इज द आंसर क्या है हमारा 0.5 बेस 10 दिस इज द कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर देन नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेंगे फ्रैक्शनल नंबर का और देखेंगे दिस इज द बाइनरी नंबर और उस बाइनरी फ्रैक्शनल नंबर और उसका कन्वर्जन हम डेसिमल करेंगे स्टेप आपको याद है हमें फर्स्ट बाइनरी नंबर जो है वैसे लिखना है 1 0 देन पॉइंट 1 0 1 ठीक है उसके नीचे उसका वेटेज पॉइंट के लेफ्ट साइड में कैसे वेटेज लिखते हैं 2 रेस टू 0 एंड देन 2 रेस टू 1 पॉइंट के उस तरफ स्टार्ट से शुरुआत करेंगे 2 रेस टू माइनस 1 2 रेस टू माइनस 2 एंड 2 रेस टू माइनस 3 2 रेस टू 0 2 रेस टू 1 लेफ्ट साइड एंड राइट साइड 2 रेस टू माइनस 1 2 रेस टू माइनस 2 एंड 2 रेस टू माइनस 3 देन हम हर एक नंबर को उसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 रेस टू 1 प्लस 1 इंटू 2 रेस टू 0 ये हमारे पॉइंट की लेफ्ट साइड हो गई
पॉइंट वो अलग लिख लेंगे, 1 इंटू 2 रेस टू माइनस 1 प्लस 0 इंटू 2 रेस टू माइनस 2, 0 इंटू 2 रेस टू माइनस 2 एंड देन प्लस 1 इंटू 2 रेस टू माइनस 3, 1 इंटू 2 रेस टू माइनस 3. देन लेट्स सॉल्व इट. 1 इंटू 2 रेस टू 1 हमारा कितना आता है 2, 2 रेस टू 1 हमारा 2 प्लस 1 इंटू 2 रेस टू 0, 2 रेस टू 0 हमारा आता है 1. ठीक है, देन पॉइंट के उस तरफ 1 इंटू 2 रेस टू माइनस 1 कितना आता है 0.5 प्लस 0 इंटू 2 रेस टू माइनस 2 0.25 आता है, लेकिन उससे मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए देन 1 इंटू 2 रेस टू माइनस 3, 2 रेस टू माइनस 3 कितना आता है हमारा 0.125. ये हम सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 1 2. देन पॉइंट के उस तरफ 0.5 प्लस 0 प्लस 0.125 इंटू 0.125. देन इधर 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3 एंड देन पॉइंट. अब हम 0.5 एंड 0.125 की एडिशन करने वाले हैं, तो 0.125 एंड 0.5 की एडिशन 0.625, उसकी एडिशन क्या आ गई 0.625. देन हमारा लेफ्ट साइड क्या आ गई 3 एंड राइट साइड 0.625. अब हम इसकी एडिशन करेंगे, 0.625 एंड प्लस इधर का 3, क्या आ गई एडिशन 3.625. दिस इज द आंसर 3.625. दिस इज द आंसर 3.625. अब ये हो गई हमारी फर्स्ट कन्वर्जन टेक्निक बाइनरी टू डेसिमल. अब हम आगे बहुत नंबर सिस्टम कन्वर्जन टेक्निक्स देखने वाले हैं. डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू, ऐसे हम देखने वाले हैं. दिस इज द एग्जांपल. अब आप क्या करोगे, आपके दिमाग से कौन सा भी एक बाइनरी नंबर आपको क्रिएट करना आता है, 0 और 1 का सिर्फ यूज करना है, तो कोई भी बाइनरी नंबर का हम कन्वर्जन डेसिमल नंबर में आप करके देखें. इंटीजर नंबर भी लीजिए और फ्रैक्शनल नंबर भी लीजिए, उसका कन्वर्जन हम बाइनरी नंबर में करके देखें. थैंक यू.